ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਸਰੇ ਨੂੰ ਮੂਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਂਵ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਹ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਡਿੰਗੀ ਸੀ ਕੂਕੀ ਗਾਂਵ ਤੇ ਵੱਡੋ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਛੋਟੋ ਆਸਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣੋ ਪਰ ਇਸੀ ਬੇੜਾ ਗਾਂਵ ਇਹ ਘਰ ਬਣਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੀਆਂ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਾਂਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰੂ ਬੁੱਢਾ ਬੇੜਾ ਸੋਲਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਘਰ ਆਗਲੇ ਚਲੇ ਸੋਲਾ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਬਜਾਇਆ ਹੋਰ ਮਲਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਵਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਅਰੇ ਗੰਗਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰੁੰਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਅਰੇ ਖਾਸ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰ ਕੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਸੀ ਠੇਡਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਨਾਵ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਨਾਵ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਅਰ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਿਲਪ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਸਤਰ ਪਰ ਨੂੰ ਤੇਵਰ ਦਿਓ ਉਹ ਬਾਰੋ ਬਹੁਤ ਮੋਟੋ ਅਵਦਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸਮਰਤੀ ਨੇ ਨਿਵਣ ਕਰੂੰ ਰਚਨਾਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੋ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਸਦੈਵ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੋ ਔਰ ਮਾਂ ਮੇਂ ਜੋ ਸਮਰਧਨ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਲਿੰਗ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਜ ਜੁਰਤੀ ਸਮਰਧਨ ਜੀ ਗੱਭਿਅ ਪੱਤਰ ਇਸਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਇੱਕ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਯਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਆਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤੋ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਠ ਹੈ ਅਨੁਭੂਤ ਕਰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪਨ ਅੰਗੋ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਆਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਆਜ ਸਾਵਰ ਜੀ ਦਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਮੋਰ ਹੈ ਮਾਰੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੋਗਾ ਮਨਮੋਹਤ ਹੈ ਸਾਵਰ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ की शैली को विकास करेगा बा एक अद्भुत शैली है और बठे सुई ही राजस्थानी कहानी ने नई दिशा मिले संवाद शैली जिके ने आप कहवा और जिके क्षेत्र में मैं काम करता मैं क्षेत्र भी बहुत सामयिक और सूक्ष्म संवेदना को कहते थे मैं कहानियाँ लिखी बासों भी कहानी ने एक नई दिशा मिली हमार जी कने एक भाषा ही एक मुहावरो जो को दूसरी जगह देखने नहीं मिले मैंने याद करता सका मैंने आज मैं नमन करूँ और साहित्य में मारो जो कोई योगदान है मैंने बुलाया नहीं जा सकता राजस्थानी कहानी का विकास में समर दया जीरो नाम बहुत ऊंचो है वहाँ कहानी में जी का नया प्रयोग कराया कहानी ने बहुत ऊंचाइयाँ प्रदान करी वो काम वांगी कहानियाँ पर नई पीढ़ी ने प्रेरणा मिला और नई कहानी जी जी की बात ने भूमि तैयार करी जमीन तैयार करी वह बड़ी प्रेरणादायी है आज दैया जी की जयंती पर मैं बने शत शत नमन करूँ स्टार्ट मेरे साहब दैया जी बड़े सरल स्वभाव के प्रसन्नमुख और निर्विचार आदमी आ बहु मेरे एक बार सिद्धा कार्यालय में मिलने हो तो बड़े अच्छे ढंग से वो मेरे मिले बांगी कहानियाँ एक नए पुराने डर न छोड़ नए डर के अनुसार उठी है नमस्ते हूँ बड़ो राजस्थानी साहित्य में बड़ो अवदान है योगदान है आज सावर जी राजस्थानी साहित्य में आप वो बहुत चौड़ ठाव नाम रखे हमारी पोथी पोथी जैसी पोथी धरती कटे घूमेली यह दो पोथियाँ में बांछी है जिनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचना है कथ्य और सिर्फ पुराना दृष्टि में अगर देखा तो और मुकाबलो नहीं है राजस्थानी साहित्य में नुआ प्रयोग करने में सांवर जी में बहुत ऊँचो स्थान है और साहित्य के माँ जी का प्रयोग क्रिया है सांवर जी वह अगर आप देखा तो कहीं लाल जी सेठ है गिलगचिया बीन तरह गई आई कू का प्रयोग जी कहे सांवर जी क्रिया है बड़ी खुशी हुई कि नीरज जी याद करियो और आज को बंगो मनोज जी को नाटक संग्रह जी को बंगो लोकार्पण हो तो हुई सागे सावर जी की जयंती भी मनाई जी तो सच्ची बात तो है कि मैं बारे ज़्यादा पढ़ियो कौन नहीं और थोड़ी फुट कर कोई कहानियाँ वहानियाँ पढ़ रही है हाँ जरूर ध्यान है कि संवाद शैली में जी की कोई राजस्थानी में कहानियाँ की शुरुआत करी तो मैं सावर जी की करी है और छोटा छोटा वाक्य में
बड़ा मुहावरादार भाषा में बात करता। आज पत्र वाचन वगैरह भी होया और मैं मुख्य रूप से एक श्रोता के रूप में आयो तो बहुत अच्छा लगे। इतनी सक्रिय भागीदारी थी, मैं को हमारे गंगानगर में कोने हुआ फिर बंगार और हनुमानगढ़ वगैरह में अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। ठीक करते अनोखो, मैं पहली बार वहाँ से मिलियो बीकानेर तो एक सोनेट मारी खातर लिखे हो, मैं मारी स्मृति में वो सोनेट आपने पढ़ सुनाऊँ। बीकानेर गयो भाई सांवर दैया से, मिलो मिल परो यूँ लागे जो मिला मिलाया, ही हा कई जलम राव समय ही आया, कोनी हा इन जीवन माए कतो दैया से। हुआ करे कि सेंदे हुआ करे कि सेंदे अण सेंदे री सीमा, मिनख मिले जद अने फेर बा खुलती खुलती, खुलिया करे है भाव ने सौ भावा तुलती, गुड़ती गुड़ती गुलिया करे है धीमा धीमा। पण संकोच सोचरी कोई गांठ कठे ही, कणा हुए है दरियावा में अरुजास में आकाश में, पण संकोच सोचरी कोई गांठ कठे ही, कणा हुए है दरियावा में और आकाश में, सौरभ माए पवन में सूरज रे उजास में, ऐसे तो निर्बंध हुए है हुए जटे ही, मन मोवे है मिनक पणो सांवर दैयारो, जू ही मन मोसी लेखन सैयारो। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा